अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेयर्स प्रोफाइल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा की ओडीआई स्टेट्स को। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी टीम्स की। एबी डिविलियर्स का ताल्लुक टीम साउथ अफ्रीका से है, रोहित शर्मा का ताल्लुक टीम इंडिया से है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, एबी डिविलियर्स 17 फरवरी 1984 को पैदा हुए, रोहित शर्मा 30 अप्रैल 1987 को पैदा हुए। प्लेइंग रोल की बात करते हैं, एबी डिविलियर्स मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, रोहित शर्मा ओपनिंग बैट्समैन है। बैटिंग स्टाइल की बात करते हैं, दोनों बैट्समैन राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो एबी डिविलियर्स नंबर 4 या 5 पे खेलते हैं, रोहित शर्मा नंबर 1 पे एज ओपनर खेलते हैं। बात करते हैं उनके डेब्यू की। एबी डिविलियर्स ने 2005 में इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया, रोहित शर्मा ने 2007 में आयरलैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया। मैचेस की बात करते हैं, एबी डिविलियर्स ने 228 मैचेस खेले, रोहित शर्मा ने 230 मैचेस खेले हैं। एबी डिविलियर्स ने 218 इनिंग्स खेली हैं, रोहित शर्मा ने 223 इनिंग्स खेली हैं। नॉट आउट इनिंग्स की बात करते हैं तो एबी डिविलियर्स 39 टाइम्स नॉट आउट रहे, रोहित शर्मा अब तक 32 टाइम्स नॉट आउट रहे। दोस्तों, बात करते हैं डक्स की। एबी डिविलियर्स 7 टाइम डक पे आउट हुए, रोहित शर्मा 13 टाइम्स डक पे आउट हुए। रन्स की बात करें तो एबी डिविलियर्स ने 9577 रन स्कोर करके रिटायरमेंट ली, रोहित शर्मा ने अब तक 9283 रन स्कोर किए हैं। बेस्ट इनिंग्स की तरफ आते हैं, एबी डिविलियर्स की बेस्ट इनिंग्स है 176 अगेंस्ट बांग्लादेश, रोहित शर्मा की बेस्ट इनिंग्स है 264 अगेंस्ट श्रीलंका। एवरेज की तरफ आते हैं, एबी डिविलियर्स का एवरेज था 53.50, रोहित शर्मा का एवरेज है 48.60। दोस्तों, बात करते हैं उनके स्ट्राइक रेट की। एबी डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट है 101.10, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट है 89.02। डबल हंड्रेड्स की तरफ आते हैं, एबी डिविलियर्स ने कोई डबल हंड्रेड स्कोर नहीं की, रोहित शर्मा ने अब तक ओडीआई में 3 डबल हंड्रेड स्कोर की हैं। सेंचुरीज की तरफ आते हैं, एबी डिविलियर्स ने 25 सेंचुरी स्कोर की हैं, रोहित शर्मा ने अब तक 29 सेंचुरी स्कोर की हैं। हाफ सेंचुरीज की तरफ आते हैं, एबी डिविलियर्स ने 53 हाफ सेंचुरी स्कोर की, रोहित शर्मा ने अब तक 44 हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। बाउंड्रीज की तरफ आते हैं, फोर्स की बात करें तो एबी डिविलियर्स ने 840 चौके लगाए, रोहित शर्मा ने 842 चौके लगाए। दोस्तों, सिक्सेस की बात करें तो एबी डिविलियर्स ने 204 छक्के लगाए हैं, रोहित शर्मा ने अब तक 245 छक्के लगाए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी फील्डिंग की। एबी डिविलियर्स ने 83 कैचेस पकड़े, रोहित शर्मा ने 82 कैचेस पकड़े हैं। मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं, एबी डिविलियर्स अपने ओडीआई करियर में 27 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे, रोहित शर्मा अब तक 21 टाइम्स मैन ऑफ द मैच रहे। मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं, एबी डिविलियर्स 6 टाइम्स मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, रोहित शर्मा अब तक 3 टाइम्स मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं उनकी कैप्टनसी की। एबी डिविलियर्स ने 103 मैचेस में कैप्टनसी की, 59 मैचेस जीते और 39 मैचेस में शिकस्त हुई। रोहित शर्मा ने अब तक 13 मैचेस में कैप्टनसी की, 11 मैचेस जीते हैं और 2 में शिकस्त हुई है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्लेयर्स कंपैरिजन की वीडियो। अपनी फेवरेट प्लेयर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कंपैरिजन वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली कंपैरिजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।